नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स आर, आपके साथ मैं हूं अपूर मिश्रा। अफ्रीकी टीम अब नौजवान हाथों में है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार ये मांग उठ रही है कि इस टीम में एबी डिविलियर्स की भी वापसी होनी चाहिए। और ये चर्चा तब से शुरू हुई जब विश्व कप 2019 के दौरान डिविलियर्स ने खुद कहा था कि वो टीम में आना चाहते हैं। तब से लेकर अब तक इस बात को लेकर कई तरह की बातें हो चुकी हैं। कोच मार्क बाउचर भी कई मौकों पर इस बात को कह चुके हैं कि आईपीएल के प्रदर्शन के आधार पर डिविलियर्स की टीम में वापसी हो सकती है। लेकिन अब डिविलियर्स को लेकर उनके साथी खिलाड़ी रहे जॉन्टी रोड्स ने भी बड़ा बयान दिया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जॉन्टी रोड्स को लगता है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम कमाल कर सकती है। रोड्स ने कहा कि डिविलियर्स के नेशनल टीम में आने के बाद कई खिलाड़ी निराश होंगे। दक्षिण अफ्रीका की टीम चाहती है कि वो अपने बेस्ट खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप में खेले, ऐसे में डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी को आप अलग नहीं कर सकते। वहीं अगर आप डिविलियर्स को नहीं चुनते हैं तो आपके पास टीम में कोई दूसरा डिविलियर्स जैसा खिलाड़ी होना चाहिए। जॉन्टी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि कई लोगों ने यह देखा कि उन्होंने आईपीएल में कैसा प्रदर्शन किया। बिग बैश में भी अगर आप डिविलियर्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। ऐसे में अगर आपको T20 वर्ल्ड कप जीतना होगा तो आपको सब कुछ करना होगा। लेकिन जॉन्टी रोड्स ने एक और बड़ा बयान दिया। रोड्स ने कहा, अगर डिविलियर्स टीम में आते हैं तो कई खिलाड़ी निराश हो जाएंगे जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलहाल सिलेक्शन से बाहर हैं। लेकिन मैं दक्षिण अफ्रीका टीम में डिविलियर्स को देखना चाहता हूं, चाहे वो चुने जाएं या कोई और खिलाड़ी उनकी तरह खेले, किसी भी कीमत पर। वैसे ये तो सच है कि डिविलियर्स की जगह कोई दूसरा खिलाड़ी ले ही नहीं सकता, और अगर डिविलियर्स टीम में आते हैं तो जाहिर तौर पर उन खिलाड़ियों को निराशा होगी जो अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन जिस बुरे दौर से अफ्रीकी टीम गुजर रही है उसे देखते हुए लगता है कि डिविलियर्स का टीम में वापसी आना अफ्रीकी टीम को मजबूत करेगा। वैसे आपका इस खबर पर क्या मानना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।